नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुराम मिश्रा। आप लोगों का इस वीडियो क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है आपका विश्व का भूगोल या वर्ल्ड ज्योग्राफी, और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर है वो है आपका 37। ठीक है, और इसमें जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे वायुमंडल में जल या वाटर इन द एटमोस्फियर। ठीक है, इसके बाद वायुमंडल में आर्द्रता संघनन के रूप या फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं, जो कि आपका ओस हो जाता है, पाला हो जाता है, या तुषार हो जाता है, या फ्रोस्ट इसको हम कह देते हैं। इसका कोहरा के बारे में बात करने वाले हैं, जो संघनन के रूप ही होते हैं। इसके बाद वर्षा के बारे में बात करेंगे, धुंध के बारे में बात करेंगे जिसको हम मिस्ट कहते हैं, ओला के बारे में बात करेंगे, बादल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये कुछ कुछ में इससे संघनन के रूप होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वो हो जाएगा वर्षा के प्रकार, या संवहनी वर्षा, या पर्वतीय वर्षा, या चक्रवाती वर्षा। तो इसको थोड़ा सा और खोल के हम देख लेते हैं कि इसमें हम किस तरह से पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर बात करने वाले हैं वो हो जाएगा आर्द्रता या ह्यूमिडिटी के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वायुमंडल में आर्द्रता का क्या मतलब होता है, गुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा क्या होती है। इसके बाद आर्द्रता जो होती है वो तीन प्रकार की होती है, निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, विशिष्ट आर्द्रता, स्पेसिफाइड ह्यूमिडिटी। इसके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। इसके बाद संघनन के रूप के बारे में बात करेंगे, फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपका ओस हो गया यानी कि ड्यू, पाला तुषार यानी कि फ्रोस्ट हो गया, कोहरा हो गया यानी कि फॉग हो गया, वर्षा रेन या रेनफॉल हो गया, धुंध या मिस्ट हो गया, आपका ओला हो गया, इसके बाद बादल हो गया। ये कुछ आपके संघनन के रूप हैं। इसके बाद बादलों का वर्गीकरण यहाँ पर करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड्स के बारे में, यानी कि उच्च में कौन से होते हैं, मध्य में कौन से होते हैं, निम्न में कौन से होते हैं, यानी कि बादल कौन से होते हैं। इसके बाद वर्षा के प्रकार देखेंगे, टाइप ऑफ रेनफॉल के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। हवाओं के ऊपर उठकर ठंडा होने के आधार पर वर्षा भी जो होती है वह तीन प्रकार की होती है, संवहनी वर्षा हो जो होती है, आपकी पर्वतीय वर्षा होती है, उसके बाद चक्रवाती या वातागिरी वर्षा जो होती है, यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले हल्का सा आपको जानकारी दे दूँ कि अगर पूरा आनंद इस वीडियो का लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको नोटबुक में नोट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने नोटबुक में नोट नहीं किया तो आप खाम खाम में क्या कर रहे हैं, अपना भी समय बर्बाद कर रहे हैं, मेरा भी कर रहे हैं। मेरा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने वीडियो देखा और जो वीडियो तो मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया, लेकिन आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, तो क्या कह रहे यार, ये हरामखोर को जानता भी है। तो आप ज़्यादा ज्ञान पेलने वाले बन जाएंगे, क्योंकि जो आपको चाहिए वो आप दें। क्या चाहिए आपको, आपको एक अच्छा सा पेन ले लें, एक नोटबुक ले लें, उस पर आप नोटबुक पे नोट करना शुरू कर दें, जो भी कमी लगती है तो उस पर सुधार करने की कोशिश करें। समझना बात को, क्योंकि कोई किसी का ठेका नहीं ले लेता, ये रियलिटी है। तो आपको भी थोड़ा सा क्या करना होगा, मेरा सहयोग करना होगा। सहयोग करने के लिए क्या करना होगा, आपको नोटबुक में नोट करना होगा। अगर मैं PDF यहाँ नीचे देता हूँ तो आप उसको डाउनलोड करें, उससे आप प्रिंटआउट निकलवा लें, तो ये मेरा एक सहयोग हो जाएगा। क्योंकि आप प्रिंटआउट निकलवा देंगे तो आप मुझ पर एहसान करेंगे, और नोट बना लेंगे तो भी मेरे ऊपर एहसान करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जो पढ़ना चाहते हैं ना उसको वैसे पढ़ें जैसे किया जाता है, यानी कि जिस तरह से पढ़ाई की जाती है उस तरह से करें, ऐसे ना करें कि शॉर्टकट के चक्कर में। तो जिंदगी भी शॉर्टकट ही हो जाती है, शॉर्टकट वॉर्टकट ये कुछ नहीं होता है, खाम खाम का टोपा बनाने वाली वो बीमारी होती है। तो पहले एक बार लॉन्ग में पढ़ लें, उसके बाद शॉर्टकट बाद में बनाया जाता है, क्योंकि एक बार लड़के को हम सारी जगह तो दिखा दें अच्छे से, तभी तो वो शॉर्टकट जान पाएगा। जब पहले उसे अपनी जगह ही नहीं पता, शॉर्टकट कहाँ से जाएगा, समझना बात को। तो पहले एक बार क्या करेंगे, आप अच्छा सा यहाँ पर नोट जरूर तैयार करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपका चैप्टर, ठीक है। चलिए साथियों, बात करते हैं वायुमंडल में जल के बारे में। तो समझते हैं वायुमंडल में जल की उपस्थिति किस प्रकार होती है और कौन कौन सी उसमें अवस्थाएं होती हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं वायुमंडल में जल की एक अवस्था होती है, उसको हम कहते हैं आर्द्रता। आर्द्रता के बारे में हम समझते हैं, इसको हम ह्यूमिडिटी भी कह देते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आर्द्रता। तो आर्द्रता होती क्या है, वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प की मात्रा को हम क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। यानी वायुमंडल है उसमें जो जल वाष्प है उसकी जिस जो मात्रा होती है उसको हम क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। इसकी मात्रा बहुत कम होती है, यानी कि जो जल वाष्प होती है उसकी मात्रा आपके वायुमंडल में बहुत कम होती है, उसके बाद भी यह वायुमंडल में एक वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण क्या होता है, अंग होता है। जल वाष्प वायुमंडल में तीनों रूप में पाई जाती है, यानी कि गैस के रूप में भी, ठोस के रूप में भी, और द्रव्य के रूप में भी। वायुमंडल में जल के कि तीनों अवस्था क्या होती हैं, पाई जाती हैं, तीनों रूपों में पाया जाता है। पहली अवस्था गैस की अगर बात की जाए तो जल वाष्प के रूप में पाया जाता है, द्रव या तरल की बात की जाए तो आपका पानी के रूप में पाया जाता है। सीधा सीधा आप देखते हैं पानी कैसे नीचे आता है बरसात के रंग में। ठोस के रूप में अगर देखें तो हिमकड़ के रूप में, और देखते हैं कैसे पत्थर लगते हैं, मतलब कैसे ओले गिरते हैं, तो वो भी, यानी कि यहाँ पर गैस, द्रव
और ठोस तीनों अवस्थाओं में आपका वायुमंडल में जल की उपस्थिति होती है। गर्म हवा में जल को रोके रहने की अधिक क्षमता होती है, जबकि ठंडी हवा में जल वाष्प को रोकने की शक्ति नहीं होती है। यही एक कारण है कि जब गर्म होती है वायु और गर्म होकर वह ऊपर उठती है, ऊपर उठने के बाद जैसे ही वो ठंडी होती है तो उसका पानी जो होता है उसका साथ छोड़ देता है, यानी कि आर्द्रता को ग्रहण करने की जो उसकी क्षमता होती है या जल वाष्प को रोकने की जो क्षमता होती है ठंडे जल में या ठंडे पानी में नहीं होती। ये कारण है कि जैसे ऊपर पहुंचता है नीचे बरसात शुरू हो जाती है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। तो वायुमंडल में कहाँ पर है? हाँ, तो वायु में जल वाष्प की मात्रा ही वर्षा का निर्धारण करती है, यानी कि वायुमंडल में जितनी ज़्यादा जल वाष्प होगी उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर वर्षा भी बहुत अच्छी खासी होती है। क्योंकि पानी जो जल वाष्प है वो कहीं ना कहीं से तो जाएगा, पानी का रूप ही होता है ना जल वाष्प, तो वो कहीं जाहिर सी बात है समुद्र होगा नदियाँ होगी तो किसी न किसी से वो जल वाष्प के रूप में ऊपर जाएगा किसी न किसी साधन से। जब जल वाष्प के रूप में वह ऊपर जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपके समुद्र किनारे कोई शहर है या कोई देश है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर वर्षा अच्छी खासी हो जाती होगी उसके तट वगैरह के आसपास, या समुद्र के किनारे कोई शहर है तो वहां पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत अच्छे से वर्षा हो जाती है। क्यों? क्योंकि जल वाष्प वहां से ग्रहण करेगा और ऊपर जाएगा तो घनघोर बारिश करेगा ही करेगा। ठीक है, फिर से मैं बता दे रहा हूं कि वायु में जल वाष्प की मात्रा ही वर्षा का निर्धारण करती है। जल वाष्प पार्थिव विकिरण को क्या करती है? सोख कर पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करती है। मैंने जब आप लोगों को वायुमंडल की संरचना बताई तब मैंने बताया था कि इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, उसमें एक जलवाष्प भी था। जलवाष्प किस तरह से वायुमंडल की जो पृथ्वी, जब आपका सूर्य की विकिरण जो होती है नीचे आती हैं तो क्या होती हैं, शॉर्ट वेव्स होती हैं, और जब पृथ्वी से टकरा कर जब वो वापस जाती हैं तो क्या बन जाती हैं, लॉन्ग वेव्स बन जाती हैं। शॉर्ट वेव को वायुमंडल आसानी से जाने देता है नीचे, लेकिन लॉन्ग वेव को वो ऊपर नहीं जाने देता, यानी कि जो लंबी तरंगें होती हैं उनको नहीं जाने देता है। तो वो आपकी जो जलवाष्प होती है वो भी उनको उस जो जो आपका तापन होता है उसको, या कहें पार्थिव जो विकिरण होती है उनको सोखने का कार्य करता है। क्या? जलवाष्प भी करता है। ठीक है, फिर से बता देता हूं कि जलवाष्प पार्थिव विकिरण को सोख कर पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करता है। इसके कारण या और भी गैस वगैरह होती है, उसके कारण न पृथ्वी ज्यादा गर्म हो पाती है ना ही ज्यादा ठंडी हो पाती है। ठीक है, तो वायुमंडल में आर्द्रता जितनी अधिक होगी, ठीक है, वायुमंडल में आर्द्रता जितनी अधिक होगी वायुमंडल में बिजली अधिक कड़केगी, वायुमंडल में अस्थिरता बनी रहेगी। अस्थिरता मतलब स्थिर नहीं रहेगा, क्योंकि आर्द्रता जब रहेगी तो वो कैसे पहुंचती है उसको भी हम आगे जानेंगे। क्योंकि जलवाष्प में क्या होती है, गुप्त ऊष्मा होती है। जलवाष्प में गुप्त ऊष्मा होती है जो कि वायुमंडल में इकट्ठी हो जाती है, जिससे तूफान आता है आपका बिजली कड़कता है, तूफान आता है बिजली कड़कता है, और चक्रवात जैसी जो क्रियाएं होती हैं उसके लिए ऊर्जा कहाँ से लेता है, ये वायुमंडल की जो गुप्त ऊष्मा होती है वहां से प्राप्त करता है। अब गुप्त ऊष्मा जाती कहाँ से, ये आपकी जलवाष्प की होती है। क्योंकि जलवाष्प जो होता है कैसे गर्म होता है, जाहिर सी बात है जब पानी गर्म होगा तभी गर्म होगा ना, तो जलवाष्प जिससे गर्म हुआ ऊपर जाकर वो ठंडा हो गया, अब जो उसकी गर्मी थी या वो उसकी ऊर्जा थी वो कहाँ जाएगी, तो वहीं इकट्ठी हो जाती है। वो किसके लिए काम आती है, बिजली कड़काने के, आपका चक्रवात जब बनता है तो उन सभी जो क्रियाएं होती है उसके लिए काम आता है। चलिए आगे समझते हैं, बात करते हैं आर्द्रता के बारे में। आर्द्रता कितने प्रकार की होती है, आर्द्रता तीन प्रकार की होती है, ज़्यादा नहीं जानेंगे डीप में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर हम उसके ऊपर तैरेंगे, तैरते तैरते आनंद लेंगे, ज़्यादा डीप में जरूरत नहीं है। चलिए समझते हैं, सबसे पहले बात करते हैं निरपेक्ष आर्द्रता के बारे में, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। थोड़ा कमजोर है हमारी अंग्रेजी तो क्षमा चाहूंगा, अगर कोई आपसे मुझसे आपसे तो नहीं, आप तो होशियार ही होंगे, तो कोई शब्द है टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो सॉरी उसके लिए। चलिए समझते हैं निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है। किसी स्थान पर, किसी कोई सा भी स्थान ले लिए जहाँ पर हवा और जलवाष्प मौजूद हो, तो किसी स्थान पर किसी तापमान पर हवा में जितनी आर्द्रता मौजूद होती है उसे निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। मान लीजिए आप राजस्थान में चले जाइए, हवा जो है उसकी हवा में जितनी आर्द्रता मौजूद हो उसको क्या कहेंगे, निरपेक्ष आर्द्रता कहेंगे। चाहे फिर वो 20% हो, चाहे फिर वो 50% हो, चाहे 30% हो। अब आप चले जाएंगे चेरापूंजी में, तो चेरापूंजी में लगातार झमाझम बारिश होती है, और आप जानते हैं जब झमाझम बारिश होती होगी तो वहां पर अच्छी खासी आर्द्रता मिलती होगी। तो क्या
हवा के बारे में बात हो रही है, हवा के बारे में, हवा में चाहे 50% हो चाहे 30% हो, ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ कि किसी स्थान पर किसी भी तापमान पर, चाहे वो 40 के बारे में बात हो रही है, चाहे 30 के बारे में बात हो रही हो, चाहे वो 20 डिग्री सेल्सियस के बारे में बात हो रही हो, किसी भी तापमान में हवा में जितनी आर्द्रता मौजूद होती है, जितनी नमी मौजूद होती है, उसे हम निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस पर, 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 घन मीटर हवा में या 1 घन मीटर वायु में 30 किलोग्राम जल वाष्प मौजूद होती है। ये मौजूद होती नहीं है, मतलब है कहीं पर, किसी जगह की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यही वायु की निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है, इसे ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त या दर्शाया जाता है। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा प्रकार, दूसरा प्रकार है सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता को समझते हैं, सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है, समझते हैं। किसी तापमान पर वायु में मौजूद जलवाष्प तथा वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को हम क्या कहते हैं, सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। बिल्कुल साधारण, कुछ स्पेशल नहीं है इसमें, डरावना लग रहा होगा कि जन क्या है ये, फिर से मैं बोल दे रहा हूं, किसी तापमान पर वायु में मौजूद जलवाष्प तथा वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को हम क्या कह देते हैं, सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। निरपेक्ष आर्द्रता क्या कहते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता वो कह रहा है कि किसी भी तापमान पर हवा में मौजूद आर्द्रता क्या कहलाएगी, निरपेक्ष आर्द्रता कहलाएगी। लेकिन सापेक्ष आर्द्रता क्या कह रहा है कि किसी तापमान में आर्द्रता के साथ ही उस हवा में और धारण करने की क्षमता को क्या कहते हैं, या और धारण करने की क्षमता के अनुपात को हम सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। सापेक्ष आर्द्रता बराबर किसी ताप पर वायु में मौजूद जलवाष्प की मात्रा बटे उसी ताप पर उसी वायु की जलवाष्प ग्रहण करने की या सोखने की क्षमता गुणा गुणा 100। सरल भाषा में मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। मैंने खाए 2 लड्डू, यानी कि मेरे पेट में, मैं कहूँ कि मैं एक हवा हूँ और मेरे अंदर इतनी क्षमता है, अभी अभी मैं अगर निकालूँ, मैं अपने पेट में कितने लड्डू मेरे पेट में पहुँच गए कि मेरे पेट में 2 लड्डू मौजूद हैं, कितनी अभी क्षमता है मेरी, मतलब निरपेक्ष आर्द्रता मेरी कितनी, अभी निरपेक्ष आर्द्रता 2 लड्डुओं की, अगर मेरे पेट में कितने लड्डू पहुँच गए, 2। अब मैं कितने और धारण कर सकता हूँ, यानी कितने लड्डुओं को और सोख सकता हूँ, 3 लड्डुओं को, 4 लड्डुओं को, 5 लड्डुओं को, हो सकता है 10 लड्डुओं को सोख लूं, तो इन दोनों की क्षमता को, यानी कि आर्द्रता, मेरे अंदर पेट में कितने लड्डू मौजूद हैं और मैं कितने और को सोख सकता हूं, यानी कि जो आज हवा है, हवा में कितनी नमी मौजूद है और दूसरी तरफ क्या है, कितनी क्षमता उसमें और है सोखने की, यानी कि मान लीजिए इसमें 20%, मान लीजिए यहां पर 20% आपकी इसमें नमी है, तो पूरी दुनिया हो जानती है कि 100% ही होता है, 20-50% नमी इसमें मौजूद है, तो 50% और क्षमता है इसमें ग्रहण करने की नमी या नमी सोखने की, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, सापेक्ष आर्द्रता, और उसका क्या करते हैं, दोनों का हम अनुपात निकाल दें तो वो क्या कहलाएगा, सापेक्ष आर्द्रता, ठीक। चलिए विशिष्ट आर्द्रता को भी देख लेते हैं, स्पेसिफाइड ह्यूमिडिटी के बारे में भी जान लेते हैं। इसे इसको किसको विशिष्ट आर्द्रता को हम आर्द्रता मिश्रण अनुपात भी कहते हैं, इसको समझते हैं। विशिष्ट आर्द्रता क्या होती है, विशिष्ट आर्द्रता कुल वायु की मात्रा, कुल वायु की मात्रा तथा उसमें मौजूद जल वाष्प की मात्रा का अनुपात, यानी कि कुल वायु की मात्रा तथा उसमें मौजूद जल वाष्प की मात्रा का अनुपात को हम क्या कहते हैं, सॉरी विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। तो आइए इसको बिल्कुल साधारण भाषा में समझते हैं, इसका क्या क्या कह रहा है वो, उसका ये कहना है, मान लीजिए मैं गया किसी दुकान पर, मैंने कहा कि सर मुझे 250 ग्राम हवा चाहिए, ठीक है, उनने कही 250 ग्राम हवा दे दूंगा, लेकिन सुनो इसमें से मैं पानी नहीं निकालूंगा, मैं पानी नहीं निकालूंगा, मुझे, मैं, उसने कहा कि जल वाष्प सहित दे रहा हूँ, ठीक है, मैं हवा निकाल, हवा ले आया, और मैंने क्या किया, हवा जब घर पे लाया तो मैंने तौली तो कितनी निकली, 250 ग्राम निकली हवा, ठीक। अब हवा जब 250 ग्राम लेके आया तो मैंने क्या कर दिया कि हवा का जो कुल वजन कितना है, हवा का कुल वजन है कितना, हवा का कुल वजन है 250 ग्राम। अब उसमें से मैंने क्या कर दिया, जल वाष्प जो है वो अलग कर दी, अब मैंने जल वाष्प जो है अलग कर दी, तो जल वाष्प, ठीक, ध्यान रखना जल वाष्प कितनी निकली, उसमें 50 ग्राम निकली। अब 50 ग्राम और 250 ग्राम तो किसका अनुपात बता रहा है, जल वाष्प जो जो वो लेके आया, कुल वायु लेकर आया कितना, उसका कितना कितना वजन है, 250 ग्राम। 250 ग्राम बटे कितना हो जाएगा, 250 ग्राम बटे कितना कर देंगे हम इसको, 50, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा, तो दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा, विशिष्ट आर्द्रता कहलाएगा।
ठीक है, किसका अनुपात निकाल रहा है, जल बाष्प सहित की वायु बोल रहा है, वायु जो है जल बाष्प सहित की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। जल बाष्प सहित वो 250 ग्राम हवा ले आया और उसकी जल बाष्प उस हवा में से निकाल के अलग कर ली, दोनों का क्या कर लिया, फिर उनका अनुपात ज्ञात कर लिया, तो यही क्या कहलाया, विशिष्ट अनुपात कहलाया। फिर से मैं साधारण भाषा में बिल्कुल एक तीनों चीजों को एक बार फिर से कर दे रहा हूँ कि सबसे पहले था निरपेक्ष आर्द्रता, किसी क्षेत्र में कहीं पर भी आप चले जाइए किसी तापमान पर हवा में मौजूद आर्द्रता को क्या कहते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। सापेक्ष आर्द्रता क्या कहलाता है, किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी चले जाइए वहां पर जो हवा में जो जलवाष्प मौजूद है और उसके अलावा उसको जो वो मौजूद होने के अलावा वो उसमें कितनी और क्या कर सकता है और कितनी जलवाष्प को सोख सकता है या ग्रहण कर सकता है, उन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, सापेक्ष आर्द्रता। तीसरा जो आता है, तीसरा आता है विशिष्ट आर्द्रता, इसको कैसे कहते हैं कि हवा, हवा कैसे जलवाष्प सहित, हवा का वजन 250 ग्राम जलवाष्प पता है, यानी कि इसमें से जलवाष्प अलग नहीं किए, अब दूसरी तरफ से उसने क्या कर लिया, उसी हवा में से जलवाष्प निकाल ली लेकिन उसका वजन वहीं का वहीं रहा, हवा का, हवा जलवाष्प सहित और जो जलवाष्प है उन दोनों का अनुपात क्या कहलाया, विशिष्ट अनुपात, विशिष्ट आर्द्रता कहलाया, ठीक है। तो ये हो गई आर्द्रता तीनों प्रकार की। चलिए आगे समझते हैं, संघनन समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम बहुत जरूरी, क्लियर करेंगे हम इसको, संघनन होता क्या है, इसको हम कंडेंसेशन भी कह देते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं क्या होता है संघनन, सबसे पहले तो हम देखते हैं संघनन, जल की गैसीय अवस्था के, जल की गैसीय अवस्था के तरल या ठोस अवस्था में बनने की क्रिया को हम संघनन कहते हैं। फिर से मैं बोल देता हूं, जो पानी है उसकी गैसीय अवस्था यानी कि जलवाष्प है उसका किसमें बदलना, तरल पदार्थ में यानी कि पानी में बदलना या ठोस में बदलने की क्रिया को हम संघनन कहते हैं, यानी कि गैस का जो जलवाष्प है या कहें गैस है, पानी की जो गैस है या भाप है उसको अगर पानी में बदल दिया जाए यानी कि द्रव में बदल दिया जाए या उसकी बर्फ बना दी जाए तो क्या कहलाता है, वो संघनन कहलाता है, ठीक है। चलिए या फिर हम इसको जैसे समझ सकते हैं, आर्द्र वायु के ठंडा होने से संघनन होता है, फिर से समझ में आ गया, आर्द्र वायु के ठंडा होने से संघनन होता है, वायु के जिस तापमान पर पानी अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में बदल जाता है इस तापमान को हम उष्मांक या ड्यू पॉइंट कहते हैं। फिर से मैं बता दे रहा हूं कि वायु के जिस तापमान पर यानी कि हवा है या कहें जलवाष्प है वो जिस तापमान पर यानी कि मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस या -1 -2 जितने भी तापमान पर वह गैस से किस में बदल जाए, ठोस या द्रव में बदल जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसको हम उषांक कहते हैं, उस तापमान को क्या कहेंगे, उषांक कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ड्यू पॉइंट, ठीक है। तो उषांक पर जो वायु होती है वो क्या हो जाती है, संतृप्त हो जाती है, इसकी सापेक्ष आर्द्रता कितनी हो जाती है, 100% हो जाती है, यानी कि अब उसमें बिल्कुल भी जल ग्रहण करने की क्षमता नहीं बची उसमें 1% की, यानी कि ऐसे मान लीजिए कि मैं हूं जो कोई भी, मैं मान लीजिए मैं वायु हूं और मैंने उषांक जो तापमान था उस पर पहुंच गया, अब मैं बिल्कुल संतृप्त हो गया, अब मैं एक भी पूरी और एक्स्ट्रा नहीं खा सकता, अब मेरा पूरा पेट भर गया, 100% मेरी सापेक्ष आर्द्रता हो गई, अब मेरे अंदर एक कण भी नहीं जा सकता, अगर एक भी कण एक्स्ट्रा गया तो मैं संघनित होकर क्या हो जाऊंगा, नीचे द्रव या क्या बन जाऊंगा, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाऊंगा, ठीक है। तो संघनन के रूप भी हम जान लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कंडेंसेशन के बारे में बात करते हैं, फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। तो संघनन की प्रक्रिया से ओस, पाला, कोहरा, बादल, बरसात जैसी कुछ प्रक्रियाओं के द्वारा कुछ चीजें बनती हैं, इन्हें ही संघनन के रूप कहते हैं। कौन कौन संघनन के रूप हैं, ओस पाला कोहरा, बादल, बरसात, ये काय के रूप हैं, संघनन के रूप हैं। आइए एक एक करके सबके रूपों के बारे में बात करेंगे, रूप की रानी चोरों का राजा नहीं, यहां पर संघनन के रूप के बारे में बात करते हैं। चलिए समझते हैं फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन समझते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे ओस के बारे में, सबने देखी होगी, नहीं देखी हो तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये ओस है, ओस मतलब किसी और मतलब अंग्रेजों की भाषा में इसको ड्यू कहते हैं। चलिए समझते हैं ओस क्या होती है, पृथ्वी दिन में गर्म, सब दुनिया जानती है कि जब ऊपर से सूर्य की किरणें पृथ्वी पड़ती हैं तो वो दिन में गर्म हो जाती है और जब सूर्य जिस समय हमें दिखाई नहीं पड़ता यानी कि दूसरी ओर होता है तो हमें क्या होता है, रात में ये पृथ्वी ठंडी हो जाती है, ठीक है। तो कभी कभी पृथ्वी के वायुमंडल की जो निचली परत है इतनी ठंडी हो जाती है कि इसके इससे यानी कि इतनी ठंडी हो जाती है वायुमंडल की जो निचली परत होती है इतनी ठंडी हो जाती है कि पृथ्वी से जो जलवाष्प बनकर ऊपर जा रही होती है गर्म होकर वो उस किससे
उस परस से, यानी कि फिर से बोल दे रहा हूं, इतनी ठंडी हो जाती है कि इस परस से छूने वाली वायु उषांक से नीचे गिर जाती है और पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में पृथ्वी के तल पर गिरने लगती है। इसे ही हम ओस कहते हैं। फिर से मैं बता देता हूं, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि संघनन कैसे होता है कि जो वायु है या जलवाष्प है वो एक ऐसे तापमान पर या तो जलवाष्प में बदल जाए या बर्फ में बदल जाए या ठोस या द्रव में बदल जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, संघनन कहेंगे। अगर जिस तापमान पर वह संघनित हो जाता है या आपका द्रव या ठोस में बदल जाता है उसको हम ड्यू पॉइंट कहते हैं, ठीक है, या उषांक कहते हैं। तो क्या होती है कि जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी है ये आपकी है, ठीक है, दिन में आपकी गर्म हुई, दिन में जब गर्म हुई तो गर्म होने के बाद क्या हुई, ये अब ठंडी भी हो रही है, तो जब ठंडी हो रही जो भी इसने क्या किया, जो भी समुद्र के किनारे या फिर जितनी भी पृथ्वी के धरातल से उसने नमी सोखी थी वो ऊपर जा रही होती है। जब ऊपर जा रही होती है तो वहां पर तापमान क्या होता है, जो आपका वायुमंडल होता है उसका कम हो गया होता है, कितना, ओशांक, या ड्यू पॉइंट से नीचे आ जाता है। जब ओशांक तक पहुंच जाता है तो उससे जैसे ही वो हवा छूती है या जैसे ही वो जलवाष्प छूती है, आर्द्र वायु जैसे छूती है, वो कायम बदल जाती है, बूंदों में बदल जाती है, पानी की बूंदों में बदल जाती है, और वो धीरे 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 छोटी छोटी बूंदों के रूप में पृथ्वी के धरातल पर सुबह आपको दिखेगी। सब डॉक्टर वगैरह कहते हैं कि आपको सुबह उठकर ओस को चाटना चाहिए, मतलब उसको चाटना नहीं, ओस पर चलना चाहिए नंगे पैर, वही घास के ऊपर जो छोटी छोटी बूंदें दिखती हैं उसको हम ओस या ड्यू कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम पेड़ पौधों की पत्तियों के ऊपर सुबह देख सकते हैं कभी कभी, तो रात में जब आप सर्दी पड़ रही होती है तो आपने देखा होगा कि आप कहीं किसी मित्र के यहाँ कहीं पर भी आप बैठे हो तो आप बैठे बैठे जब चलने को होते हैं तो चलते हैं तो देखते हैं, अरे यार 6 बज रहे हैं और ये क्या, जो सीट है आप जो बाइक लेकर आए उसके ऊपर ड्यू यानी कि मतलब ओस, तो आप वहां पर ही मौजूद महसूस कर सकते हैं, वो ओस ही होती है। चलिए ओस का दूसरा बिगड़ा हुआ रूप देखते हैं, ओस समझते हैं। दूसरा है तुषार, पाला या फ्रॉस्ट, इसको हम कह देते हैं गांव में, इसको पाला या तुषार कहते हैं, ठीक है, तो समझते हैं। साधारण भाषा में जमी हुई ओस को ही हम पाला कह देते हैं, तो स्पेशल इसमें कुछ बताना नहीं है कि जब वायु क्या होती है, जो वायुमंडल है उसका जो निचली परत होती है यानी क्षोभ मंडल होती है, या कहें जो निचली परत होती है वो बहुत अधिक ठंडी हो जाती है या उषांक तक उसका तापमान हो जाता है, यानी कि ड्यू पॉइंट से नीचे उसका तापमान हो जाता है, तो वहां पर क्या होती है, जब वायु छूती है, वायु छूते छूते कभी कभी उसका जो तापमान होता है कुछ ज्यादा ही नीचे गिर जाता है, जैसी हवा छूती है तो बर्फ ने बदलकर कायम बदल जाती है, वो जो ओस की बूंदें होती हैं वो कायम बदल जाती, सॉरी, जो ओस की बूंदें होती हैं वो कायम बदल जाती है, ओस की बूंदें बर्फ में बदल जाती है, नन्हे नन्हे कणों में बदल जाती है, इसको ही हम क्या कहते हैं, पाला कहते हैं। कभी कभी आपने देखा हो जब सर्दी पड़ रही होती है तो आलू वगैरह की फसल कर देते हैं गांव में, तो कहते हैं कि भैया पाला पड़ गया तो ऐसी तैसी हो जाएगी, तो वही पाला होता है, उससे फसल की तहस नहस हो जाता है, वो होता ओस ही है लेकिन ओस का बिगड़ा हुआ रूप होता है। ओस किसके रूप में गिरती है, बर्फ के नन्हे नन्हे कणों के रूप में गिरती है। फिर से मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, साधारण बात, हम जमी हुई ओस को ही हम पाला कहते हैं, यानी जब ओसांक यानी कि हिमांक से, ओसांक या हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाता है या नीचे चला जाता है तो ओस की जगह क्या होता है, पाला गिरता है, ठीक है, समझ आ गया। चलिए चलिए कोहरा या फॉग को समझते हैं। तो मैंने आप लोगों को जब वायुमंडल में आप लोगों को पढ़ा रहा था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो वायुमंडल होता है उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, जैसे आपकी गैसें होती हैं, धूलकण होते हैं, जलवाष्प होती है, तो उसमें एक धूलकण मैंने आप लोगों को बताया था, तो धूलकण भी वायुमंडल की संरचना के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आइए समझते हैं इसको। तो वायुमंडल की जो निचली परत होती है, वायुमंडल की निचली परत में जो धूलकण तथा धुएं के कण जो मौजूद होते हैं, इसके साथ जो संघनित जो जल होता है, यानी कि जो मैंने बताया था उषांक नीचे, जब आपका उषांक से नीचे जो परत होती है उससे जब वायु टकरा जाती है तो क्या हो जाती है, संघनित हो जाती है, तो संघनित सूक्ष्म जल के जो पिंड होते हैं या जल के जो कण होते हैं वो इन धूल कणों के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, कोहरा का निर्माण करते हैं, या फिर कहें कि ओसांक से नीचे वायु का तापमान गिरने पर कोहरा का निर्माण होता है, ठीक है। तो कोहरे में, कोहरा जो होता है उसमें देखने की क्षमता कितनी होती है, देखने की क्षमता 800 से 900 मीटर ही होती है, यानी कि कोहरा जो होता है 800 या 900 मीटर के बाद की जो चीज है वो हमें बिल्कुल नहीं दिखेगी, यानी कि कोहरे में 800 या 900 मीटर से ज्यादा दूर नहीं देखा जा सकता, यानी कि इसकी जो दृश्यता होती है 1 किलोमीटर से कम या 800 मीटर से कम ही होती है, ठीक है, 1 किलोमीटर या 800 मीटर से या 900 मीटर से कम होती है, ठीक है, ये मोटा मोटी होती है, कभी कभी ज्यादा भी होता है, कभी ज्यादा कम भी होता है, लेकिन 1000 मीटर से ज्यादा किसी भी हालत में कोहरे में नहीं दिखता। चलिए धुंध या मिस्ट को समझते हैं। हल्के फुल्के कोहरे को
हल्के फुल्के कोहरे को कुहासा या धुंध कहते हैं। धुंध के समय देखने की क्षमता 1 किलोमीटर से अधिक लेकिन 2 किलोमीटर से कम ही होती है, यानी कि 2 किलोमीटर से पहले ही इसकी जो दृश्यता होती है वो समाप्त हो जाती है, यानी कि 1800 मीटर के बाद या 1900 मीटर के बाद हमें चीज़ें दिखना बिल्कुल बंद हो जाएंगी। जबकि कोहरे में मैंने दृश्यता कितनी बताई थी, 800 मीटर से अधिक की वस्तु हमें नहीं दिखेगी, कभी कभी 900 मीटर की दिख सकती है। ठीक है, ये मोटा मोटी होती है, यानी कि इसमें ये नहीं कि इतना फिक्स ही होता है, कभी बुधर बुक जो वगैरह आप पढ़ेंगे तो उसमें हल्का पूरा 1-2, 10-50 मीटर आगे पीछे कर देते हैं, इससे क्या रहता है बुक अच्छी लगती है देखने में। लोग कहते हैं अरे भैया इसमें अलग लिखा है, तो अलग बनानी होती है। ठीक है, तो अलग अलग बुक में 150 मीटर अंतर हो सकता है। ठीक है, तो कुहासा या धुंध जो होता है, सूर्योदय, सूर्योदय आप लोग जानते हैं सूर्योदय कब होता है, सूर्योदय मतलब सूर्य निकलने का समय तथा सूर्यास्त के समय नदियों, झीलों, तालाबों, सागरों के ऊपर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। जो नदी किनारे रहने वाले जो लोग होंगे, जो सागर किनारे रहने वाले लोग होंगे, वो जानते होंगे किस तरह से ये हल्का हल्का आपको धुंध सा दिख रहा होगा। ठीक है, ये क्या होता है, इसको मिस्ट या धुंध या कोहरा, कुहासा कहते हैं। इसमें आप 1 किलोमीटर से दूर की, सॉरी 1500 मीटर, 1800 मीटर से दूर की चीज नहीं देख सकते। ठीक है, चलिए जब एक और चीज हल्की सी बता देता हूँ, यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, ये जब पर्यावरण परिस्थिति पढ़ेंगे तब उसके बारे में पढ़ेंगे। जब कोहरा तथा धुआं मिलते हैं तो धूम्र कोरे का निर्माण होता है, यहाँ पर इसको नहीं जानना है। आइए समझते हैं ओला के बारे में, ये भी आपका संघनन का ही रूप है। ओला देखते हैं, ओला क्या होता है, जब जल की बूंदें जम जाती हैं और इनके कणों का आकार क्या होता है, बड़ा हो जाता है, और इनका आकार जब और बड़ा होता है, यानी कि बड़ा होने के बाद जब और बड़ा हो जाता है, तो इनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि अपना ही वजन नहीं संभाल पाते, यानी कि इन्हें ये कह देते भैया तुम्हारा वजन कुछ ज्यादा हो गया है, हम तुम्हें नहीं संभाल पाएंगे, तुम यहां से निकलो। जब ये यहां से निकलते हैं, ऊपर से जब निकलते हैं, तो किसी न किसी पर हमला कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि गुस्से में निकलते हैं ना अपने घर से, मम्मी मना कर देती है कि बेटा यहां पर नहीं रुकोगे, तुम्हारा वजन बहुत ज्यादा खा पी रहे हो। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, जब जल की बूंदें जम जाती हैं और इनके कणों का आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जब इनका आकार बड़ा हो जाता है और बड़ा होता है, तो ये गिरना शुरू कर देते हैं। ये हमेशा कपासी मेघों से ही गिरते हैं और इनसे काफी नुकसान वगैरह भी हो जाता है, गाड़ियां फूट जाती हैं, बड़े बड़े जो कभी ज्यादा बड़े बड़े गिर जाए, लोगों पर चोट वगैरह भी लग जाती है। चलिए बादल के बारे में बात कर लेते हैं, ये भी आपका संघनन का ही रूप है। चलिए बादल या क्लाउड्स के बारे में देखते हैं, इसको मेघ भी कह देते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है, बादल या क्लाउड कैसे बनते हैं समझते हैं। बादलों का निर्माण हवा में मौजूद महीन धूल कणों के केंद्रकों के चारों ओर जलवाष्प के संघनित होने से होता है। मैंने बताया था कि जो धूल के कण होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं वायुमंडल के लिए, अगर ये न हो तो आप क्या नहीं बना सकते, बादलों का निर्माण बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर से मैं वो दे रहा हूँ, बादलों का निर्माण हवा में मौजूद महीन धूल कणों के केंद्रकों के चारों ओर जलवाष्प के संघनित होने से होता है। ज्यादातर देखा गया है कि बादल जल की अत्यधिक छोटी छोटी बूंदों से मिलकर बना होता है, यानी बादल गर्म तथा आर्द्र हवाओं के ऊपर उठने से, बादलों का निर्माण गर्म तथा आर्द्र हवाओं के ऊपर उठने से होता है, क्योंकि जब हवा गर्म होती है, गर्म होकर वह ऊपर हल्की हो जाती है, हल्की होकर वह ऊपर उठती है, और जब वह ऊपर उठती है तो ओशांक, क्योंकि निचली परत होती है, कैसी होती है, उसका तापमान कितना होता है, कम होता है, और जब वह ओशांक पर पहुंचती है तो वहां पर पहुंचने के बाद जलवाष्प होती है, या जो हवा में जो जितने भी जल की बूंदे, वो सॉरी जितना भी जल होता है वो क्या हो जाता है, वह संघनित हो जाता है, वह जम जाता है, या फिर जल के रूप में ऊपर ही इकट्ठा हो जाता है, या कहें बादल का रूप ले लेता है। फिर से मैं वो देता हूं कि बादल जो होते हैं, जल की अत्यधिक छोटी छोटी बूंदों से मिलकर बना होता है, यानी बादल गर्म तथा आर्द्र हवाओं के ऊपर उठने से होता है, क्योंकि जब हवाएं ऊपर उठती हैं, हवाएं जब ऊपर उठती हैं तो वो उषांक वाले तापमान में पहुंच जाती हैं, और वहां पर इनका क्या हो जाता है, संघनन हो जाता है, या ये जम जाती हैं, या फिर ये जल का रूप ले लेती हैं। ठीक है, ये बर्फ के कणों से भी बने हो सकते हैं, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि तापमान हिमांक से भी नीचा हो, क्योंकि भैया संघनित तो हो ही जाएगा, संघनित होकर या तो पानी बन जाएगा या फिर वो बन जाएगी आपकी बर्फ बन जाएगी, लेकिन बर्फ बनने के लिए या फिर बर्फ के कण बनने के लिए शर्त ये होनी चाहिए हिमांक से नीचा होने चाहिए, क्योंकि ओशांक से भी नीचा होता है हिमांक। ठीक, ओशांक से तो ओस बनती है, हिमांक से क्या बनता है, हिम बनता है, हिम मतलब बर्फ। ठीक है, चलिए
चलिए साथियों, बादलों के वर्गीकरण के बारे में बात कर लेते हैं। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हल्का सा इसको आप लोगों को बता दूं। बादल तीन प्रकार के होते हैं ऊंचाई के आधार पर, निम्न मेघ, मध्य मेघ और उच्च मेघ। ठीक है, निम्न मेघ की अगर बात की जाए या निम्न बादल की बात की जाए तो आपके ये आपके मिल जाएंगे 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक। कैसे होते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या मिल जाएंगे, निम्न बादल। इसके बाद 2 से 7 किलोमीटर आपके मध्य मेघ मिल जाएंगे। इसके बाद उच्च मेघ की अगर बात की जाए तो 7 किलोमीटर से 14 किलोमीटर के बीच में आपके मध्य मेघ, वो सॉरी उच्च मेघ मिलते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं वर्षा या वर्षण या रैन के बारे में, समझते हैं रैन क्या होती है। चलिए देखते हैं, बात करते हैं वर्षा के बारे में। जब हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं तो उनके साथ जो जल होता है या पानी होता है वो भी भाप बनकर या वाष्प बनकर वायुमंडल में पहुंचता है। जब यह ऊंचाई पर पहुंचता है तो जल वाष्प या जो पानी था जो गैस के रूप में ऊपर पहुंचा वह संघनित हो जाता है, या कहें वह या तो ऊष्म के रूप में हो जाता है या फिर काय में बदल जाता है या हिमकणों के रूप में बदल जाता है। फिर से मैं बता देता हूँ कि जब हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं तो इनके साथ जल भी बाष्प बनकर या भाप बनकर वायुमंडल में पहुंचता है। जब यह ऊंचाई पर पहुंचता है तो जल बाष्प का संघनन हो जाता है, इसके तुरंत बाद यह बादल का रूप ले लेती हैं और फिर बादल की बूंदों का निर्माण होने लगता है। जब बादल की बूंदों का आकार 1 मिलीमीटर से लेकर 3 मिलीमीटर के बीच में हो जाता है तो यह पृथ्वी के धरातल पर गिरती हैं, जिन्हें वर्षा, जिन्हें रेन या फिर रेन फॉल भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वर्षा, रेन या रेनफॉल कहते हैं। फिर से बता देता हूँ मैं एक बार, जब हवाएं गर्म होती हैं, हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं तो अपने साथ जल को भी ले जाती हैं। जब ऊपर संघनित हो जाते हैं, संघनित होकर वह वर्षा की बूंदों के रूप में बदल जाता है। जब वह वर्षा की बूंदों के रूप में बदल जाता है तो उसकी आकृति कितनी हो जाती है, 1 से लेकर 3 मिलीमीटर के बीच में हो जाती है, तो वह पृथ्वी के धरातल पर गिरना शुरू हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं, रेन या वर्षा या आपका रेनफॉल भी कहते हैं। ठीक है, चलिए चलिए वर्षा के प्रकार देख लेते हैं। वर्षा कितने प्रकार की होती हैं, टाइप ऑफ रेनफॉल। तो जो वर्षा है हवाओं के ऊपर उठकर ठंडा होने के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, और भी कई तरह की हो सकती है, 250,000 की हमें उनसे मतलब नहीं, हमें 3 के बारे में जानना है। 3 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी हैं, समवाहनी वर्षा से सबसे पहले आएगी उसके बारे में पहले बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं समवाहनी वर्षा क्या होती है। जब पृथ्वी का धरातल गर्म हो जाता है, यानी पृथ्वी की जो जमीन है वो गर्म हो जाती है और उसके संपर्क में आने वाली हवा जो होती है वह भी गर्म हो जाती है, और वह हवा जब गर्म होती है तो गर्म होकर क्या होती है, ऊपर उठती है। गर्म होकर क्या होती है, ऊपर उठती है, क्योंकि गर्म होकर वह हल्की हो जाती है। जो हल्की हो जाती है तो ऊपर उठती है, हल्की होने के साथ वह क्या होती है, फैलती है। यह हल्की होकर जब ऊपर उठती है, जब यह ऊपर पहुंचती है तो ठंडी हो जाती है। जब यह ठंडी हो जाती है तो इसमें जो मौजूद जो जल वाष्प होता है वह संघनित हो जाता है। संघनित होने के कारण कपासी मेघों का निर्माण होता है या कपासी बादलों का निर्माण होता है, जिससे ये घनघोर बारिश करती है, इन्हें ही हम संवहनी वर्षा कहते हैं। यह रोज का नियम होता है, यानी कि भूमध्य रेखा पर यह वर्षा हर रोज दोपहर के बाद होती है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि यह शाम को थोड़ी घंटे 2 घंटे में यह बंद हो जाती है। फिर से मैं बिल्कुल साधारण समझा देता हूँ, भूमध्य रेखा वाला जो क्षेत्र है बहुत गर्म क्षेत्र है, वहां की जो हवाएं होती है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, वहां की धरती जो होती है बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, वहां की जो धरती होती है या वहां का जो धरातल होता है उस पर जब जो हवाएं बहती हैं उससे संपर्क में जब आती हैं हवाएं होती हैं गर्म, जैसे हवाएं गर्म हो जाती है, गर्म होकर क्या होती है, वो ठंडी हो जाती है, बहुत सॉरी गर्म होकर वो हल्की हो जाती है। हल्की होने के बाद क्या करती हैं, हल्की होने के बाद ऊपर उठती हैं, ऊपर होने के बाद फैलती हैं, फैलने के बाद जैसे ही वो ऊपर पहुंचती हैं वैसे ही उस क्षेत्र में पहुंचती हैं जहां पर क्या है, ओशांक वाला तापमान कितना हो रहा है, ओशांक हो रहा है या फिर हिमांक वाला हो रहा है, ओशांक वाला होता है क्योंकि यहां पर हिमांक वाला क्षेत्र नहीं हो पाता है। तो ओशांक या ड्यू पॉइंट पे जैसे ही यहां पर देख सकते हैं, ये ड्यू पॉइंट पे जैसे ही वो हवा संपर्क में आती है वैसे ही वो बूंदों में बदल जाती है और वहां पर जमाजम बारिश शुरू हो जाती है, क्योंकि कपासी मेघों का जैसे निर्माण होता है और उन कपासी मेघों से झमाझम बारिश शुरू हो जाती है और वो बारिश घंटे 2 घंटे ही चलती है। यह हर रोज होती है, कहाँ पर, भूमध्य रेखा या कहें विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश पर। ठीक है, चलिए दूसरा प्रकार देखते हैं, चलिए पर्वतीय वर्षा को देखते हैं। पर्वतीय वर्षा क्या होती है, पर्वतीय पहले मैं अपनी भाषा सादर समझ की समझा दूँ, फिर एक दो बार और समझा दूंगा। पर्वत जो होते हैं, पर्वत इस तरह से ऊंचाई पर होते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं पर्वत इस तरह से, हवाएं जब बहती हैं तो पर्वतों पर चढ़ जाती है, पर्वतों पर चढ़ती है तो ऊंचाई पर जाकर ये संतृप्त हो जाती है। संतृप्त मतलब इनमें 100% आपका सापेक्ष आर्द्रता 100% हो जाती है, अब इसमें बिल्कुल भी जल की जरूरत नहीं है। जैसे ये और ऊपर बढ़ती है वैसे ये क्या होती है, आपका संघनित हो जाती है, यानी कि ड्यू पॉइंट पर जैसी पहुंचती है, ओशांक वाले क्षेत्र में पहुंचती है वैसे ये संघनित हो जाती है। संघनित होने के बाद ये बादल का रूप लेती है
बादल का रूप लेते हैं, ये झमाझम बारिश कर देती हैं जिस क्षेत्र से ये चढ़ रही होती हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं पर्वतीय वर्षा। आइए देखते हैं मैंने क्या लिखा है। जब जलवाष्प से लदी हुई हवा गर्म होकर किसी पहाड़ी, किसी पर्वत या किसी पठार की ढलान के सहारे ऊपर चढ़ती है तो यह हवा ठंडी हो जाती है और ठंडी होने से यह संतृप्त हो जाती है। यह जब यह ऊपर चढ़ती है, जब यह ऊपर चढ़ती है तो इसकी जो जलवाष्प होती है वह संघनित होने लगती है और इससे ही वर्षा होती है, इसे ही पर्वतीय वर्षा कहते हैं। यह वर्षा उन क्षेत्रों में बहुत अधिक होती है जहां पर पर्वत श्रेणी जो है समुद्र के तट के किनारे, यानी कि यहां पर देख सकते हैं समुद्र के तट के किनारे होता है, वहां पर यह वर्षा बहुत अधिक होती है, या फिर समुद्र के तट के किनारे हो या समुद्र के समानांतर हो तो यह पर्वतीय वर्षा खासकर उन्हीं क्षेत्रों में होती है। क्योंकि भैया जब पर्वत के किनारे पानी होगा तभी तो वो ले जाएगा, कि अगर पानी अभी आपका अरावली वाला क्षेत्र है, अरावली क्षेत्र में 2-4 मीटर 2-4 किलोमीटर का और ऊंचा पर्वत कर दो, अब वहां पानी ही नहीं है तो कहां से वो ले आएगा जलवाष्प, आर्द्र जलवाष्प, क्योंकि पानी भी होना चाहिए, तो पानी के लिए क्या है किनारे सागर होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होता है ऊंचाई के साथ साथ वर्षा की मात्रा भी बढ़ती जाती है, क्योंकि ऊंचाई पर चढ़ती है तो टकरा जाती है ये पहाड़ी वाले क्षेत्र से, तो वर्षा की मात्रा भी बढ़ती जाती है। चलिए आगे इसी में ही बात करते हैं, इसी पर्वतीय वर्षा के बारे में ही। तो इस प्रक्रिया में पर्वत का जो ढाल होता है, पर्वत का जो जिस तरफ से मान लीजिए इस तरफ समुद्र है तो पर्वत का जो ढाल होता है इसके सामने वाले ढाल पर खूब वर्षा होती है। फिर से मैं बोल देता हूं, इस प्रक्रिया में पर्वत का जो ढाल होता है हवा के सामने होता है वहां पर खूब वर्षा करता है, इसे ही पवना विमुख ढाल कहते हैं, यानी पवन के सामने का जो ढाल है उसको पवना विमुख ढाल कहते हैं। यहां पर खूब झमाझम बारिश होती है या यहाँ पर खूब तेज बारिश होती है, लेकिन जैसे ही यहाँ ये ऊपर चढ़ाई करता है, चढ़ते 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 पवन के वो पर्वत की दूसरी तरफ पहुँचता है, यानी कि पवन विमुख, यानी कि पवन के दूसरी तरफ जब ये पहुँचता है तो हवाएं कैसी हो जाती हैं, गर्म और शुष्क हो जाती है। शुष्क का मतलब होता है जिसमें आर्द्रता ना हो, जिसमें नमी बिल्कुल ना हो, तो गर्म और शुष्क हो जाती हैं, यहाँ पर वर्षा बिल्कुल नहीं होती। फिर से मैं बोल देता हूँ कि इस प्रक्रिया में पर्वत का जो ढाल होता है, पर्वत का जो ढाल होता है सामने वाला हवा के सामने, वहां पर खूब वर्षा होती है, इसको हम पवन विमुख ढाल कहते हैं। जबकि हवाएं पर्वत की दूसरी तरफ की ढाल पर उतरती हैं तो वह गर्म और शुष्क हो जाती हैं हवाएं, यहां पर वर्षा बहुत कम या फिर बिल्कुल नहीं करती, इसको ही पवन विमुख यानी कि पवन के विपरीत दिशा का ढाल कहते हैं, इसको ही हम भ्रष्ट छाया या शैडो जोन भी कह देते हैं, शैडो जोन या वृष्टि छाया क्षेत्र भी कह देते हैं। जैसे कि आपका जब आप लोग भारत में पढ़ेंगे तो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि जो पश्चिमी घाट पर्वत है इस तरह से जो समुद्र के किनारे वाला क्षेत्र है, पश्चिमी किनारे के ये पश्चिमी घाट के ये पर्वत है पश्चिमी घाट पर्वत, ठीक, पश्चिमी घाट पर्वत का जो पूर्वी ढाल है यहाँ पर वर्षा बिल्कुल नहीं होती, जो पश्चिमी ढाल है वहां पर वर्षा खूब होती है। यही एक कारण है कि महाबलेश्वर जो है, जो कि आपका पश्चिमी ढाल के पश्चिमी क्षेत्र में है, यहाँ पर लगभग लगभग 600 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। वहीं इसके ठीक दूसरी तरफ जहाँ पर पुणे स्थित है वहाँ पर मात्र 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, क्योंकि पुणे जो है वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। समझ में आ गया ना ये बात, चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा देखते हैं, तीसरा प्रकार चक्रवाती या बातागिरी वर्षा या साइक्लोनिक रेन। चलिए चक्रवात के कारण होने वाली वर्षा को चक्रवाती वर्षा कहते हैं। जब चक्रवात पढ़ेंगे या साइक्लोन पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल से जानेंगे, ठीक है। या फिर दो विपरीत हवाएं, एक गर्म और दूसरी ठंडी, जब आपस में टकराती हैं तो वाताग्रों का निर्माण होता है। वाताग्र आगे बात करेंगे, वाताग्रों का निर्माण होता है, इसके सहारे गर्म वायु जब ऊपर उठती है और मध्य व उच्च अक्षांशों पर यह वर्षा करती है। मध्य कौन से होते हैं, मध्य मतलब बीच वाला अक्षांश यानी 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है, मध्य अक्षांश तथा उच्च अक्षांशों में वर्षा होती है, ठीक है। चलिए साधारण भाषा में हम इसको समझ लेते हैं वातागिरी वर्षा के बारे में। शीतोष्कटिबंधीय चक्रवात में गर्म तथा आर्द्र जो वायु राशि होती है हल्की होने के कारण ठंडी तथा शुष्क वायु राशि के ऊपर चढ़ जाती हैं। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, शीतोष्कटिबंधीय चक्रवात में गर्म तथा आर्द्र जो वायु राशियां होती हैं हल्की होने के कारण ठंडी क्योंकि हल्की होती हैं तो ऊपर उठ जाती हैं। जब ये हल्की हो जाती हैं, अब मान लीजिए मेरी गाड़ी है और रोड पर गाड़ी चल रही है और लोगों की, तो मेरी गाड़ी अगर हल्की हो जाए और थोड़ी ऊपर चढ़ जाए तो क्या होगी, जो रोड पर चल रही है उनके ऊपर चढ़ जाएगी, क्योंकि इतनी गाड़ी है वो हवा में तो उड़ती नहीं है, हवाई जहाज हवा में उड़ता है, हल्की सी ऊपर हुई तो अन्य गाड़ियों के ऊपर चढ़ेगी। फिर से मैं बताता हूँ, शीतोष्कटिबंधीय चक्रवात में गर्म तथा आर्द्र वायु राशि हल्के होने के कारण
ठंडी तथा शुष्क वायु राशि के क्या होता है, ऊपर चढ़ जाती है। इसके कारण गर्म हवा में मौजूद जल वाष्प का संघनन हो जाता है, क्योंकि ठंडी से जाकर टकरा जाती है ना गर्म वायु, यानी कि वो कहते हैं ना कविता जो मुझसे टकराएगी तो चूर चूर हो जाएगी, वो वाली कविता है। तो जो ठंडी वायु के साथ ये गलती से टकरा जाते हैं, जैसे ही टकराते हैं वैसे ये संघनित हो जाते हैं। संघनित होने के बाद ये बरसात करने लगते हैं। इस तरह की बरसात शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवाती क्षेत्रों में होती है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में ना के बराबर होती है। जैसे कि सर्दियों में उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा चक्रवातों के द्वारा ही होती है। आप लोगों को पता है, जब भारत के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल से जानेंगे, ठीक है। वैसे तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वाताग्रों की कमी होती है, क्योंकि वहां पर वाताग्र थोड़े कम होते हैं, लेकिन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में वायु चारों ओर, वायु जो होती है चारों ओर केंद्र की ओर जाती है, जिससे चक्रवात जिस क्षेत्र से गुजरता है उस क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हो जाती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। क्योंकि यहाँ वाताग्री जो वर्षा होती है वो ना के बराबर होती है किसमें, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, लेकिन शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वाताग्रों का कुछ ज़्यादा ही निर्माण होता है। समझ आ गया। चलिए चलिए साथियों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको ये जो वीडियो हुए हैं वो पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसी तरह से आनंद लेते रहें। और आप लोगों को थोड़ी सी बात फिर से कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो का पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो आप नोटबुक में नोट करना न भूलें, बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि अगर आप नहीं बनाएंगे नोट तो आपको पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। तो चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं, अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।